This is Adarsh of class 7 studying in bright brain tutorials, and today in this video we will discuss about electrochemical series which is also known as reactivity series. So let's start. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निगेटिव पोटेंशियल वालों की मैंने एक अलग कहानी बनाई और पॉजिटिव पोटेंशियल वालों की एक अलग कहानी बनी. तो हम निगेटिव पोटेंशियल से शुरू करते हैं. तो मैंने उसको 4 या 5 ऐसे एलिमेंट में ब्रेक करके बनाया जिससे कहानी मतलब उसमें मतलब लगता है. तो शुरू करते हैं. लिथियम के बाबा सरदार, तो ये हमारी पहली हो गई. फिर काका नाना मांगे आलू पानी में, काका नाना मांगे आलू पानी में, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की. तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि निगेटिव पोटेंशियल वालों की और ये 4 या 5 एलिमेंट में ब्रेक है. तो फिर पहले मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि मैंने ये कैसे याद किया इतने आसान से. तो पहले वो हम लोग उस पर बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके फुल फॉर्म पे बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं. तो लिथियम के बाबा सरदार, मतलब यहाँ पे पार्टी चल रही है, मैं लिथियम हूँ तो मेरे बाबा पार्टी के सरदार हुए. वो यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टी कैसी चल रही है, सबको सब कुछ मिल रहा है ना जो जिसको चाहिए. तो काका नाना मांगे आलू पानी में, तो मेरी पार्टी है तो मेरे काका नाना भी आएंगे इस पार्टी में. तो उन्होंने मेन्यू देखा तो उन्हें पसंद नहीं आया मेन्यू में क्या है, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा करो मुझे आलू पानी में दो, मुझे वही ज़्यादा बेटर लगता है. तो उसके बाद मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया. मैंने देखा सभी लोग आलू पानी खाने लगे, लेकिन मैं तो मुझे नॉनवेज खाना है, मेरी पार्टी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो खाऊं. तो मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन तो ज़्यादा था कि सब वेज खाने लगे तो वो खुश हो गया, लेकिन जब मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया तो मुझे कंपनी देने और लोग भी आ गए, जिससे हाइड्रोजन को बुरा लग गया. तो हाइड्रोजन ने हमसे, मैं और मेरे दोस्तों से आके बोला कि यार ऐसा मत करो, तुम लोग भी सबकी तरह वेजी खाओ ना. पर नहीं, मैं और मेरे दोस्त ने नॉनवेज खाए, जिससे वो दुखी होकर बैठ गया. तो किसी ने कहा कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की. तो ये मेरी स्टोरी हो गई. अब उसके बाद एक चीज जान ले कि जो हाइड्रोजन होता है वो 0 वोल्ट का होता है, और ये बाकी जितने भी हैं ये सब होते हैं, इनके पास होता है निगेटिव पोटेंशियल. फिर ये तो हमारी स्टोरी हो गई. अब ये एलिमेंट कौन से उस पे आते हैं, तो ये है लिथियम, ये पोटेशियम, ये है बेरियम, ये स्ट्रोंटियम, ये है कैल्शियम, ये है सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम, ये है वाटर, ये है मैग्नीज, ये है जिंक, ये है क्रोमियम, ये है आयरन, ये है कैडमियम, ये है कोबाल्ट, ये है निकल, ये है टिन, ये है लेड और ये है हाइड्रोजन. तो अब निगेटिव पोटेंशियल वालों की बात हो गई. अब उसके बाद हम अपनी दूसरी स्टोरी पे आते हैं जो पॉजिटिव पोटेंशियल की, जो 0 से ऊपर के होते हैं. तो उसकी कहानी कुछ किस तरह है. फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता कहा. तो पहले आप सोचो कि मैंने इन दोनों एलिमेंट को 2 बार क्यों लिखा है. वैसे इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बार बार और तो और कहा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया. इसी कोई जरूरत नहीं, आप चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे. फिर उसके बाद अपने इस पर अपनी स्टोरी बता दो कि कैसे मैंने ये पॉजिटिव पोटेंशियल को याद किया. फिर से आंटी ने कल पीटा ऑक्सीजन, फिर से कल आंटी ने ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता कहा. तो ये बात होगी. तो अब जैसे मैं यहाँ पे बन गया ऑक्सीजन और मेरा दोस्त है मर्क्यूरी, हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे. अब फिर उसके बाद तो मैंने जोर से फुटबॉल को मारा और वो जाके आंटी के कांच को तोड़ देती खिड़की के. तो आंटी से गुस्सा होके बाहर निकलती है और मुझको फिर मारती है. उन्होंने मुझे फिर से पीटा, मतलब मैंने उनका कांच बहुत बार तोड़ा था तो मैंने फिर से तोड़ा, तो वो मुझे फिर से मारी. और तो और मर्क्यूरी को इडियट कुत्ता कहा. मर्क्यूरी को
क्योंकि मरकरी उनके घर के बगल में रहता था, उसने कहा आंटी आप तो मेरी पड़ोस हैं, आप मुझे नहीं मारेंगी, तो उनको मारा, मतलब मरकरी को मारा, प्लस उसे ये भी कह डाला। तो ये थी मेरी शॉर्ट ट्रिक। अब उसके बाद आते हैं इनके कि ये एलिमेंट कौन से हैं। तो ये फ्लोरीन, ये गोल्ड, ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये प्लैटिनम, ये है ब्रोमीन, ये है सिल्वर, ये है मर्क्यूरी, ये है आयोडीन और ये है कॉपर। अब उसके बाद मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो सब थी कोई बताए कि ये जो यहाँ पे स्टोरी बनी है वो असल में उल्टी है। ये असल में हाइड्रोजन जो था हमारा, उसके बाद आना चाहिए था कॉपर, फिर उसके बाद आना चाहिए था आयोडीन, फिर उसके बाद मर्क्यूरी, फिर उसके बाद सिल्वर और बाकी सब। लेकिन कहानी इस तरह से बहुत ही अच्छी बनी थी, इस तरह से कोई कहानी बन नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने इस तरह बनाया। और आप जब भी इसे लिखें तो इसको ऐसे लिखें कि आप याद भी कर लो और समझ भी जाए कि ये उल्टी कहानी है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ एलिमेंट पे खास बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा लिथियम। लिथियम से ही शुरू हुई थी क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और फिर उसके बाद जो हमारा फ्लोरीन था, जैसा कि मैंने बताया फ्लोरीन उल्टा है, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर गया तो वो सबसे लेस रिएक्टिव हुआ। और हाइड्रोजन का तो हम लोग जान ही गए कि वो जीरो है। और ये बहुत ही इजी था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। और मेरे वीडियो को साथ साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पीरियोडिक टेबल को देखना मत भूलिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।